तो डीमन गैंग स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल द डीमन गेमर पे। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना गाइस, फ्री है सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और हम वापस आ गए अपने माइनक्राफ्ट के गेम प्ले पर। तो सॉरी गाइस, घर के कुछ प्रॉब्लम्स थे, मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब से कोशिश करूँगा कि वीडियो रेगुलरली आए। तो भाई वर्ल्ड जनरेट हो रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों के गैस में मैंने थोड़े बहुत खेला और स्टोन्स के कुछ टूल्स तक बनाए भाई। देखते हैं आज क्या कर सकते हैं भाई। स्टोन के पिकैक्स बना दिया और स्वॉर्ड का पता नहीं भाई किया होगा या नहीं। ये देखो बेड भी तैयार है, क्राफ्टिंग टेबल है भाई। ये क्या है मुझे पता नहीं, ग्रास है क्या ये भाई। पहले सूरज को देखते हैं भाई, सूरज डूब रहा है या आ रहा है भाई। चलो ऊपर जा रहा है तो हम अपना माइनिंग कर सकते हैं भाई। ओ भाई ये क्या है, कलर कलर वाले चमकीले पत्थर भाई। डीमन गैंग आप लोग कमेंट करके बताना ये क्या है। यहाँ देखो कुछ ग्रीन कलर है, कुछ ऑरेंज कलर है भाई। ये क्या है, ग्रीन ग्रे ऑरेंज कलर, आप लोग बताना कि क्या है मुझे। तो भाई मैं अभी इस पत्थर को तोड़ूँगा। ये क्या मिला भाई मुझे पता नहीं क्या है, इन्वेंट्री में देखते हैं। इसका नाम फ्लिंट है भाई, मुझे पता नहीं फ्लिंट मतलब क्या होता है। देखते हैं भाई इसको क्राफ्टिंग में रख के इसका क्या होता है। फ्लिंट से भाई ये क्या है, फ्लिंट एंड स्टील। तो भाई मुझे तो पता नहीं फ्लिंट क्या है। पहले देखते हैं टॉर्च के लिए क्या चाहिए होगा भाई। मैंने सुना टॉर्च से मतलब एनिमीज़ कम आता है भाई, तो देखते हैं भाई टॉर्च किससे बनता है। ये क्या है, रेड स्टोन डस्ट भाई। ये तो मुझे पता नहीं रेड स्टोन डस्ट क्या होता है भाई। हम तो अभी बना नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं। और बाकी बेकार चीज़ें रख देते हैं भाई वापस इन्वेंट्री में। लेदर का नहीं चाहिए भाई अभी। और ये क्या है, वुड पिकैक्स, वुडन स्वॉर्ड ठीक है। ये क्या है भाई, रॉटन फ्लश नहीं चाहिए। इस रॉ मटन रखते हैं भाई, चलो। ये क्या है भाई, कोल, कोल से देखते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं। कोल से कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। क्राफ्टिंग टेबल पे जाके देखते हैं कोल से क्या हो सकता है। इधर ये रहा क्राफ्टिंग टेबल। अरे भाई मैं तो इसके ऊपर ही चढ़ गया। यहाँ पे भाई एक है ओक साइन, बाउल, लिवर, कैंप फायर भाई। कैंप फायर बढ़िया लग रहा है। फर्नेस पता नहीं भाई, फर्नेस आप लोग बताना फर्नेस से क्या होता है भाई, आप लोग कमेंट करके बताना। ओक प्रेशर प्लेट, स्टोन स्वॉर्ड भाई, स्टोन स्वॉर्ड कर सकते हैं पर पता नहीं इसकी ज़रूरत होगी या नहीं। स्टोन पिकैक्स तो है मेरे पास भाई, स्टोन स्वॉर्ड एक बना लेते भाई। चलो बढ़िया भाई, स्टोन स्वॉर्ड हमें मिल चुका है। अभी इस वुडन स्वॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं, हम वापस रख देते हैं। कोल की भी कोई ज़रूरत नहीं, वापस रख देते हैं। और ये क्या है, ग्रेवल भी नहीं चाहिए भाई, इसको भी रख देते हैं भाई। चलो ये डर्ट है क्या, क्या है भाई मुझे पता नहीं। डर्ट भाई, डर्ट है, डर्ट है, मुझे लगा कुछ और होगा। भाई इसको खरीद देता हूँ भाई माइन, देखते हैं। अब देखते हैं भाई क्या है वो, रॉक कॉपर भाई। रॉक कॉपर से क्या होता है पता नहीं भाई। अरे यहाँ देखना तो बेकार है। इस क्राफ्टिंग टेबल में देखते हैं भाई किधर गया वो रॉक कॉपर। ये रहा रॉक कॉपर। क्या है भाई ये सब, कॉबल स्टोन स्टेयर्स, ये सब नहीं चाहिए भाई अभी।
और भाई मुझे टॉर्च बनाना है। और ये क्या है भाई, आयरन भी चाहिए ना? पता नहीं भाई आयरन कहाँ मिलेगा। चलो भाई कॉपर की शायद कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसे रख देते हैं भाई यहाँ पे। बढ़िया भाई, कितनी आसानी से हमने मार दिया। तो चलो भाई मैं इधर ही माइनिंग स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं हमें क्या मिलता है। बेड तो अपने पास ही रखूंगा भाई, रात होते ही सोने के लिए। फिर से मरनी नहीं है मुझे ज़ॉम्बी से, और शुरू से शुरू करने की कोई इच्छा नहीं है भाई। ये क्या है भाई, इसका कलर ही कुछ अलग है, ग्रेवल। अच्छा, ये ग्रेवल है, ठीक है भाई। पता नहीं आयरन कहाँ मिलेगा भाई। चलो भाई हम पूरा नीचे चलते हैं भाई, कहीं ऐसे ना हो कि नीचे से कोई वॉल्केनो लावा या कुछ निकले भाई, हम सीधा धरती के अंदर चले जाए भाई, ऐसे ना हो। मैंने एक बार ये करते समय कहीं पे तो लावा था भाई, लावा से मर गया था, इसीलिए जो डर है भाई कहीं नीचे जाते जाते कुछ हो ना जाए। भाई ये क्या है भाई, कोल है क्या ये, एक बार देखते हैं भाई। तब से स्टोन कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगा ये कोल था, कलर से तो ऐसे ही लगा भाई। नीचे चलते हैं भाई, और नीचे भाई फिर से चमकीले चीज़ दिख गई गाइस, वो पत्थर एक कॉपर ही है ना गाइस। आप लोग बताना मुझे कि कॉपर से क्या होता है भाई, कॉपर का क्या फ़ायदा। भाई मैं बेड यहीं पे लगा देता हूँ, रात कब होगा पता नहीं भाई। बढ़िया भाई, पर क्राफ्टिंग टेबल ऊपर ही है ना, क्या वो ज़ॉम्बी लोग तोड़ देते हैं क्या भाई क्राफ्टिंग टेबल। अरे भाई मुझे उसे भी वापस ले आनी चाहिए थी भाई। चलो भाई अब तो काफ़ी अंदर आ गए, मुझे पता भी नहीं रास्ता कहाँ से बाहर निकलना है। चलो इस कॉपर को ही कलेक्ट करता हूँ, आप लोग बताना कि कॉपर से होता क्या है भाई। मैं हाथ से क्यों कूद रहा हूँ, ये रहा स्टोन पिकैक्स।
भाई मैं तो बहुत ही नीचे आ चुका हूँ, देखते हैं भाई कुछ बढ़िया मिलेगा या नहीं इधर। गाइस देखते हैं रात हो चुका है या नहीं, एक बार बेड रख के देखता हूँ उस पे सो सकते हैं कि नहीं, पता चलेगा रात हुआ है कि नहीं। अच्छा रात हो चुका था भाई ऑलरेडी, अच्छा हमने कंफर्म कर लिया, चलो सुबह भी हो गई। अब हम अपना क्राफ्टिंग टेबल ले आते हैं भाई। अब पता नहीं भाई मैं कहाँ से आया था। क्या मिला वो? कुछ तो आवाज आया भाई। नहीं कुछ नया नहीं था। क्या था भाई वो आवाज? क्या है ये? यहाँ क्या है भाई वो? क्या है, क्या है ये? कॉल है क्या ये? हाँ ये कॉल है गाइस, कॉल है, इसीलिए इसका कुछ तो फायदा होनी चाहिए ना, इसका कुछ नहीं दिखा रहा भाई। कॉल से कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई टॉर्च हम बना सकते भाई, मुझे लगा नहीं बना सकते। अच्छा स्टिक और कोल से टॉर्च बनता है, चलो भाई बढ़िया। बढ़िया भाई चलो इस कोल को सभी लेते हैं भाई। ओ भाई ये क्या है, नीले नीले पत्थर भाई, पहली बार देख रहा हूँ, आप लोग बताना भाई। मैं भाई इतना सस्पेंस तो रहा नहीं चाहता भाई मुझसे, अभी तोड़ के देखता हूँ एक को। क्या है भाई ये नीले नीले, किधर गए? लैपिस लजुली। ओ क्या है भाई ये लैपिस लसुली, ब्लू डाई। भाई मुझे तो पता भी नहीं क्या है, आप लोग कमेंट करके बताना ये लैपिस लजुली आखिर होता क्या है भाई। मैं तो इसको कलेक्ट करके रखूँगा, आप लोग बताना इसे हम क्या बना सकते हैं। यहाँ तो और कुछ कास लग नहीं रहा भाई, इसको तोड़ के देखते हैं क्या। हाँ मुझे ऊपर जाना था ना क्राफ्टिंग टेबल के लिए, तो ऊपर के रास्ते बनाते हैं भाई। चलो वो एक टॉर्च वहीं पे छोड़ूंगा ताकि पता चल जाए भाई कि मैं यहाँ आया था। ये क्या हुआ, पिकैक्स कहाँ गायब हो गया भाई, दिख ही नहीं रहा। क्या मुझे एक और बनाना होगा? क्या उनके भी यहाँ लाइफ होते हैं क्या भाई, वेपन्स के भी? तो ठीक है भाई पिकैक्स के लिए मेरे पास, ओ भाई क्राफ्टिंग टेबल भी नहीं है। देखते हैं स्टोन से हम बना सकते कि नहीं। किधर गया भाई स्टोन्स? यही है ना स्टोन,
भाई इसमें तो कुछ भी नहीं दिखा रहा वेपन्स भाई। अरे यार पिकैक्स ही नहीं है मेरे पास, स्टोन के टूल्स ही नहीं बना सकता भाई। क्या है, मुझे क्राफ्टिंग टेबल लेके आना चाहिए था भाई, गलती कर दी। इन स्टोन्स को वापस रखता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है इनका भी। चलो भाई वुडन पिकैक्स से ही काम चलानी होगी। अरे भाई ऊपर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, इतना अंधेरा है। भाई एक टॉर्च यहाँ पे लगा देता हूँ। हाँ भाई बढ़िया, पता तो चला। क्या हो भाई, ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा ये? इस वाले को भी तोड़ना होगा। अरे यार मेरे तो वुडन पिकैक्स भी जाने वाले हैं भाई थोड़ी देर में। इस तरह तो सिर्फ हाथ से ही तोड़ना होगा भाई। और भाई ऐसा ना हो कि ऊपर जाके देखें तो ज़ॉम्बी लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। मुझे पता नहीं कि वे लोग ऐसे ख़त्म करते कि नहीं। भाई यार हाथ से तोड़ने में कितने टाइम लगता है भाई। इससे बढ़िया देखता हूँ एक और क्राफ्टिंग टेबल की मैं बना सकता हूँ या नहीं भाई। अरे भाई चलो एक और क्राफ्टिंग टेबल बना तो सकता हूँ। चलो भाई यही बेस्ट है। अब देखते हैं भाई, पहले हमें चाहिए होगा स्टोन के सामान भाई। स्टोन से हमें चाहिए, अरे यार क्राफ्टिंग टेबल तो खोला नहीं, ये रहा क्राफ्टिंग टेबल। हमें चाहिए स्टोन पिकैक्स की तरह भाई, ये रहा स्टोन पिकैक्स। चलो बढ़िया, इस स्टोन को वापस रख देते हैं। कॉबल स्टोन, ये भी कॉबल स्टोन ही है क्या? चलो। अरे भाई दोनों अलग अलग है क्या, एक के ऊपर रख ही नहीं पा रहा। कॉबल स्टोन और ये भी कॉबल स्टोन है क्या, है ये इनका? भाई दोनों के नाम सेम है पर एक दूसरे से कंबाइन नहीं हो रहे भाई। कोई बात नहीं, हम स्टोन पिकैक्स ले लेंगे। बढ़िया, अब इस ब्लू डाई से देखते हैं भाई क्या होता है। ब्लू डाई अभी बनाए नहीं ब्लू डाई, पर पता नहीं आप लोग कमेंट करके बताना मुझे उसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं। फर्नेस का पता नहीं भाई, कैंप फायर पता नहीं। टॉर्चेस बना देते हैं, 12 नहीं चाहिए भाई उतना, 12 कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 4 काफ़ी है भाई। चलो यहाँ एक टॉर्च रखा था ना, एक टॉर्च वहाँ पे और एक टॉर्च यहाँ ऊपर, उसको रहने देते हैं। और भाई क्राफ्टिंग टेबल तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ भाई। क्राफ्टिंग टेबल को अपने साथ ही ले लेते भाई, इनमें से इस
ये नहीं चाहिए। किधर, ये रहा। स्टिक्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी रख देते हैं। चलो बाकी सब तो ठीक है। बेड लगा के देखते हैं रात हुआ है कि नहीं, पता चल जाएगा हमें। स्लीप ओनली एट नाइट, तो चलो रात तो नहीं हुआ अभी तक। इसको तोड़ देते हैं अभी। बढ़िया गाइस, हम अपनी माइनिंग की कंटिन्यू करते हैं। भाई मुझे तो पता भी नहीं कहाँ पे माइन करना है, मैं तो बस रैंडमली डिग कर रहा हूँ भाई, कहीं पे भी क्या पता लक से कुछ मिल जाए भाई। तो भाई ये क्या है, इसका कलर ही अलग है भाई, देखो। देखते हैं भाई हमें क्या मिला अभी अभी। ग्रेनाइट भाई, अब इसका तो मुझे पता नहीं ग्रेनाइट का यूज़ क्या होता है, आप लोग बताना। ग्रेनाइट और ये लैपिस लजुली और कॉपर, इन तीनों का यूज़ हमें बता दीजिएगा इस। यहाँ तो और भी सारे ग्रेनाइट्स है भाई, सबको तोड़ दूँगा। भाई यहाँ पे एक टॉर्च की ज़रूरत होगी। बढ़िया भाई, ये सभी ग्रेनेड ही है ना? हाँ भाई, सब के सब ग्रेनेड। चलो भाई रात हुआ था, हमने तो सो लिया भाई। मुझे तो डर है कहीं केव के अंदर, यहाँ नीचे ज़मीन के अंदर भी कोई निकल ना जाए भाई एनिमीज। चलो ये तो कॉपर है, इसको भी हम कलेक्ट करेंगे। भाई ये तो कॉपर और ही मिल गया पूरा। कॉपर और ग्रेनाइट, गाइस। और यहाँ फाई क्या दिख रहा है मेरे क्राफ्टिंग टेबल आइकॉन के ऊपर? फाई कुछ नंबर लिख रहा है ना, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है क्या कि हमने 5 दिन सर्वाइव कर लिए बिना मरे हुए? तो गाइस मैं तो बस ग्रेनेड कर रहा हूँ भाई, मुझे आयरन टूल्स बनानी है, पता नहीं कहाँ मिलेगा। अब ये क्या है, इसका अलग ही कलर है। क्या मिला? एंडेसाइट गाइस, ये भी बता देना एंडेसाइट का क्या यूज़ है।
इस कॉबल स्टोन का रख देता हूँ भाई। ये क्या है भाई, यहाँ तो अलग ही पत्थर मिल रहा है भाई, ये क्यों एक दूसरे से मर्ज नहीं हो रहे भाई? सब कॉबल स्टोन ही है, कई 64 मैक्सिमम पावर नहीं है क्या, मैक्सिमम कैपेसिटी है क्या, इसीलिए ये एक दूसरे से मर्ज नहीं हो रहे, शायद यही होगा। मर्जिंग कैपेसिटी 64 होगा मैक्सिमम। क्या आवाज़ है भाई, ये डर लग रहा है भाई, क्या आवाज़ है ये, कुछ तो आवाज़ आया भाई। कहीं रात तो नहीं हुई, बेड लगा देता हूँ भाई, बेड लगा देता हूँ, यहाँ तो स्पेस भी नहीं है। गाइस आप लोग बताना वो आवाज़ किस चीज़ का था, कोई एनिमी या कुछ और? भाई ये सारे चीज़ आखिर थे क्या, मैंने देखा नहीं। एंडेसाइट है भाई, एंडेसाइट का क्या, क्राफ्टिंग टेबल में ही देखना होगा एंडेसाइट का क्या यूज़ है। फिलहाल तो मुझे शायद टॉर्च की ज़रूरत होगी भाई। बढ़िया भाई, मेरा ये स्टोन पिकैक्स तो अभी जाने वाला है। भाई क्या था वो, पिकैक्स गायब होने का आवाज़ था क्या वो? भाई अभी मुझे क्राफ्टिंग टेबल लगाने की जगह चाहिए भाई, देखते हैं हम लगा सकते हैं नहीं क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे। बढ़िया लगा दिया हमने। अभी भाई पहले इस एंड सेट का देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, एंड सेट कुछ हो ही नहीं रहा भाई। पॉलिश्ड एंडेसाइट, पॉलिश्ड ग्रेनाइट, भाई आप लोग बता ना मुझे इसका यूज़ करना चाहिए कि नहीं। एंडेसाइट ये सब क्या है भाई, मीटिंग टेबल भी है, मुझे तो पता भी नहीं भाई, वापस रख देता हूँ, मुझे सिर्फ अभी स्टोन एक्स की ज़रूरत है, वो मैं लूँगा। ओ भाई स्टोन एक्स भी नहीं बना सकता क्या अभी, पिकैक्स भाई क्या है ये भाई, स्टोन्स तो है इतने सारे, तुम भी जाओ। हाँ भाई अब आ गया ये, मैं तो डर ही गया भाई, पिकैक्स बना ही नहीं सकते मुझे तो ऐसा लगा। अरे हाँ पर वुड तो नहीं है स्टिक्स के लिए, स्टिक्स के बिना तो कैसे करूँगा भाई मैं तो, वुड तो यही लास्ट है, ओक प्लैंक्स तो है, मुझे शायद फिर से ऊपर जाना पड़ेगा स्टोन पिकैक्स के चक्कर में भाई। चलो फिलहाल हम माइनिंग कंटिन्यू करते हैं।
भाई यहाँ पे भी कॉपर मिला बढ़िया। भाई और नीचे जाते हैं भाई, देखते हैं पूरा नीचे क्या होगा। भाई ये तो कोल है, और ये क्या नया पत्ता है भाई, ये पता नहीं क्या है, एक बार तोड़ के देखते हैं किधर गया वो। ग्रेवल तो नहीं था वो, एंडेसाइट नहीं, ये डियोराइट भाई, ये क्या है डियोराइट, आप लोग इसको भी हेल्प कर देना भाई, डियोराइट क्या है बता के। नहीं तो भाई कोल तोड़ूंगा पहले। इस नए ओर को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, पता नहीं काम की है या नहीं भाई, पर यहाँ तो बहुत सारे कोल मिले भाई, काम के हो सकते हैं कोल। भाई यहाँ तो बहुत सारे कोल है भाई, बढ़िया कोल का खजाना ही मिल गया भाई हमें। और गए 6 डेज हो गए भाई, हम 6 डेज सर्वे हो गए बिना मरे। तो गाइस मेरे पास सिर्फ एक ही टॉर्च बचा है, थोड़ी बहुत माइनिंग करके हम वापस ऊपर जाना होगा, क्योंकि हमें वुड की ज़रूरत है भाई, क्योंकि वुड से हमें स्टिक्स मिलता है और स्टिक से हमें टॉर्च की ज़रूरत है। भाई यहाँ तो कुछ काम की चीज़ नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी अंदर जाके देखते हैं, कुछ मिलेगा तो यहाँ पे माइन करेंगे।
तो भाई यहाँ तो कुछ नहीं नज़र आ रहा फिलहाल। तो मुझे लगता है मुझे ऊपर जाने चाहिए भाई, हम बहुत नीचे आ गए, यहाँ तो कुछ यूज़फुल है ही नहीं। तो मुझे ऊपर जानी चाहिए भाई, एक बार ऊपर जाके वुड्स वो सभी कलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, गाइस फ्री है सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग कमेंट करके बताना है वो सभी ओर्स की क्या यूज़ है, मतलब ये फ्लिंट देखो मुझे पता नहीं फ्लिंट क्या होता है, कॉपर क्या होता है उसका यूज़ पता नहीं भाई, और डियोराइट ये भी पता नहीं, लैपिस लजुली ये भी पता नहीं, ग्रेनाइट का यूज़ पता नहीं है भाई, एंडेसाइट का भी यूज़ पता नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताना इसका क्या यूज़ है। और एक और चीज़, क्या मुझे एक ही जगह पे माइनिंग करते रहना चाहिए और मतलब होप्स रखनी चाहिए कि यहाँ कुछ मिलेगा, या मुझे कई जगह पे ढूंढनी चाहिए बाकी और आइलैंड्स पे से ट्रैवल करके, या बाकी जगह पे माइनिंग करनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताना। तो अगला वीडियो जल्दी आ जाएगा गाइस, थैंक यू।